अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल इमरान रज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगा इन पे 3 प्रोफेशनल और इन पे 9 में बेसिक डिफरेंस क्या है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन पे 3 को ओपन करते हैं। ये फ्रेंड्स इन पे 3 ओपन हो गया है। फाइल, न्यू, इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है। इसको हम ओके करेंगे। फ्रेंड्स इन पे 3 में हम राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पाकुर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ता है। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। ये देखिए पाकुर्दू इंस्टॉलर, इसको मैं उर्दू पे करता हूँ। फिर हम इन पे 3 पे अपनी राइटिंग कर सकते हैं। इसका साइज़ बढ़ाता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और इस पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेट्स, आपने नेट से कोई भी चीज़ PDF के फॉर्म में ओपन की है, आप उसको उर्दू या अरेबिक दोनों फॉन्ट्स में आप उसको इन पे 3 में डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर टाइप कर सकते हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका बोल्ड और इटैलिक भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं उर्दू की राइटिंग को Ctrl+C कॉपी करता हूँ, इन पे 3 पे ला के उसको Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने सेम वही राइटिंग आ गई है। इसका हम यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसके आप मुख्तलिफ फॉन्ट स्टाइल्स लगा सकते हैं, जो सा आपको पसंद हो। इसको फ्रेंड्स हम राइटिंग को बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बोल्ड हो गई है। इसको हम इटैलिक भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम रेड कर देते हैं ताकि आप लोग देख सकें। उसके बाद ये तो थी फ्रेंड्स उर्दू की राइटिंग। अब हम अरेबिक राइटिंग को इस पे कॉपी पेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये अरेबिक की राइटिंग को भी इस पर कॉपी पेस्ट करता है। इसको हम Ctrl+X से डिलीट कर देते हैं। अब हम नेट से अरेबिक राइटिंग लाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अरेबिक फॉन्ट है अरेबिक राइटिंग का। Ctrl+C, इन पे 3 ओपन करते हैं। Ctrl+V, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अरेबिक राइटिंग आ गई है। इसका हम फॉन्ट स्टाइल अरेबिक में कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे आप इन पे 3 में आप कहीं से भी PDF की फॉर्म में जो राइटिंग होती है उसको कॉपी पेस्ट करके उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज, बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जबकि इन पे 9 में फ्रेंड्स, अब हम इन पे 9 में आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इन पे 9 हम ओपन करते हैं। इन पे 9 फ्रेंड्स ओपन हो गया है। इसमें ही फाइल, न्यू, इसका भी मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर पिछली वीडियो में दे दिया है। इसको हम ओके करते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, इसको आपको फोनेटिक करना पड़ता है। ये हमारा पहले से ही फोनेटिक है, हम इसको ओके करते हैं। इसका भी साइज़ लार्ज करते हैं। इसमें भी आप राइटिंग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लार्ज साइज़ करके आपको दिखाता हूँ। इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है, इसमें आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। लेट्स हम नेट से वही राइटिंग हम दोबारा उठाते हैं। कॉपी, Ctrl+C, इन पे 9 में हम लोग लाते हैं। Ctrl+V, फ्रेंड्स ये देखिए इस पे राइटिंग किस तरह की आ रही है। इस पे हम राइटिंग को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इसमें आप जो टाइप करेंगे सिर्फ वही राइटिंग आएगी। जबकि इन पे 3 में आप अपनी पसंद से अरेबिक, उर्दू की राइटिंग को कॉपी पेस्ट करके उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अरेबिक की राइटिंग भी लाकर दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+C, इन पे 9 ओपन करते हैं। Ctrl+V, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें इन पे 9 में और इन पे 3 में कितना राइटिंग का फ़र्क है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, इन पे 3 पे हमने राइटिंग को कॉपी पेस्ट किया है, जबकि इन पे 9 में हमारी राइटिंग कॉपी पेस्ट नहीं हो रही। तो दोस्तों, ये था इसका बेसिक डिफरेंस, जो कि काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि अगर हम राइटिंग को कॉपी पेस्ट करना चाहें तो हम किस पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इन पे 3 पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप राइटिंग चाहें, अरबी की चाहें, उर्दू की चाहें। सो फ्रेंड, ये था इसका बेसिक डिफरेंस, बाकी तकरीबन सेम ही इसमें चीज़ें हैं, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं। सिर्फ यही राइटिंग का इशू आता है, कोई दोस्त कहते हैं मैं पोस्ट बनानी है कोरल हूँ, कॉपी पेस्ट करके कैसे उसको जल्दी से लिख सकता हूँ, तो इसका उर्दू इंस्टॉलर को डाउनलोड करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था फ्रेंड्स इसका बेसिक डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।